दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। नेशनल हाईवे के किनारे घर की छत पर पलटा ट्रक, दो लोगों की मौत, तीन घायल। गंडाघाट में फोर लेन बनाने वाली कंपनी का कंटेनर जला, मुश्किल से काबू की लपटें। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय नवरत्न ज्वेलर्स छोटा चौक नाहन। नौराधार के लाना चेता सहकारी बैंक में सेंध मारी, चेस नहीं तोड़ पाए शातिर। चूड़धार में साल का दूसरा हिमपात, भारी बर्फबारी से पारा लुढ़का, ठंड हुई प्रचंड। हत्याकांड पर किन्नौर के स्पीलों में फूटा गुस्सा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। अब समाचार विस्तार से। बिलासपुर के धौलरा के पास नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली पर सोमवार सुबह एक ट्रक सड़क से नीचे लुढ़क गया और एक घर की छत पर जा गिरा। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में दो लोगों की हालत ठीक बताई जा रही है जबकि एक को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। इस हादसे से घर को भी काफी क्षति पहुंची है। जानकारी के मुताबिक ट्रक में पांच लोग सवार थे और ट्रक चंडीगढ़ से कुल्लू की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब ट्रक सड़क से नीचे गिरा तो बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे स्थानीय लोग घरों से बाहर निकल आए। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। तो धमाका हुआ, जैसे पूरा मकान ही लग गया तो मैंने बाहर आके देखा तो एक ट्रक पड़ा हुआ था, उसमें पांच बंदे सवार थे, ड्राइवर था और एक जो उसका सुपरवाइजर था। वो उठाया मैंने बाहर से, उठाया, पड़ोसी भी आए सारे गांव के आगे। तो एक लड़के को जो पड़ोसी आया, सोनू बोलते हैं, उसको चोट लगी है उसके, और उसके सिर में चोट लगी है। जो तीन बंदे इंजर्ड थे तो उनको निकाला गया, हॉस्पिटल में जाते हैं, उनकी मेरे ख्याल डेथ हो गई है, ये मालूम नहीं मुझे पूरा। पर बाकी ड्राइवर को भी निकाला, प्रशासन पूरा आ चुका था यहाँ, SHO वगैरह, और फायरबॉल पार्टी आ रही थी, कटर करके उसके नीचे दो दबे थे, उनको निकाला गया, दो हॉस्पिटल ले जाते हुए वो रास्ते में आ चुका है। तो इससे काफ़ी मेरा नुकसान हुआ, मकान सारा इंजर्ड हो चुका है। तो ट्रक के हादसा होने के कारण जो मेरी पीने के पानी की पाइप भी टूट चुकी है, मकान का भी। फोरलेन का कार्य कर रही एक कंपनी के कंडाघाट में बनाए गए कंटेनर में सुबह अचानक आग लगने से पूरा कंटेनर जल गया। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों द्वारा कंटेनर के अंदर रखे सभी गैस सिलेंडरों को बाहर निकाल लिया गया जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। उधर कंपनी के कर्मचारियों ने आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग सोलन और पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस व प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची। कंटेनर में लगी आग इतनी भयानक थी कि अग्निशमन विभाग द्वारा आधा घंटा कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी अभी इन कारणों का पता नहीं चल पाया है। उधर थाना प्रभारी ब्रिजलाल ने बताया कि कंटेनर में लगी आग पर काबू पा लिया गया है, इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय नवरत्न ज्वेलर्स छोटा चौक नाहन। नौराधार के अंतर्गत सबसे दुर्गम क्षेत्र लाना चेता में सहकारी बैंक पर चोरों ने सेंध लगा दी। हालांकि वे चोरी करने में नाकाम रहे। जानकारी के अनुसार रविवार रात को अज्ञात चोर बैंक के शटर में लगे ताले तोड़ अंदर जा घुसे, लेकिन वे अंदर चेस्ट को नहीं तोड़ पाए। इससे एक साल पहले भी इसी बैंक में चोरी का प्रयास किया गया था। एक वर्ष पहले बैंक के बाहर दीवार तोड़ी गई थी, इस दौरान भी चोर अपने मंसूबों में नाकाम रहे थे। हैरानी की बात यह है कि यह बैंक करीब दो वर्ष से बिना शाखा प्रबंधक के चला हुआ है, जिस कारण यहां पर डकैती की संभावना बढ़ती जा रही है। बड़े दुख की बात है कि पिछली रात को कोपिडी बैंक लाना चेता में ताले तोड़े गए। तो कुछ शरारती तत्व ने ये काम किए हैं। एक दो बार ऐसा पहले भी कुछ लोगों ने ऐसा काम किया है। तो मेरा पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध रहेगा कि आप इस केस को ज़रा थोड़ा इसकी तहकीकात अच्छी तरह से ढंग से कीजिए। जो ये कुछ लोग हैं, कुछ साथी तत्व है जो पकड़ में आ जाएं। और नंबर दो बात ये कि हमारे ब्रांच में पिछले दो साल से बैंक मैनेजर भी नहीं है और हमारे स्कूल में कोई प्रिंसिपल भी नहीं है, रेगुलर टीचर भी नहीं है और PSC में डॉक्टर भी नहीं है। अगर है तो डेपुटेशन पर आते हैं। तो मेरा प्रशासन से और सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि आखिर क्यों लाना चेता में इतनी अनदेखी की जाती है। क्या हम लाना चेता वाले
हमारा बोर्ड का अधिकारी इतना नहीं है, क्यों हमारे साथ हर काम में हर इसमें इतना अनदेखी की जाती है, हमारी समस्याएं नहीं सुनी जाती है, जबकि हमने नेताओं को भी अवगत कराया है इस बारे में। तो मेरा मीडिया के माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से ये अनुरोध रहेगा हाथ जोड़ के कि कृपया आप हमारे लालनजता में आएँ, देखें कि क्या क्या काम हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, क्यों नहीं हो रहे, क्यों हमारे को स्टाफ नहीं मिल रहा है, क्या कमी है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को भी शेयर करें और मीडिया से भी अनुरोध रहेगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नौहराधार से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट। सिरमौर जिला की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार में सोमवार को इस साल का दूसरा हिमपात हुआ। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह तक चूड़धार में 1.5 से 2 फुट बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं नौराधार व हरिपुरधार की पहाड़ियों पर 2 इंच बर्फ गिरी है। बर्फबारी से क्षेत्र में कड़ाके की ठंड है, जबकि समूचे क्षेत्र में तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। भले ही ठंड ने समूचा गिरिपार जकड़ लिया है, लेकिन बारिश की दस्तक से लंबे समय से इंतजार में बैठे किसानों ने राहत की सांस ली है। बिना बारिश से किसानों की नकदी फसलों को व्यापक असर पड़ रहा था। उधर चूड़धार मंदिर में स्थित पुजारी कमलानंद ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि अब मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं, कोई भी श्रद्धालु यात्रा ना करें। सुनील हत्याकांड के दोषियों को सख्त सजा देने की मांग को लेकर पूह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किन्नौर के स्पीलो बाजार में कैंडल मार्च निकाला। यह कैंडल मार्च अध्यक्ष प्रेम कुमार नेगी की अध्यक्षता में निकाला गया। इस अवसर पर प्रेम कुमार नेगी ने कहा कि हत्या जैसी जघन्य अपराध का शांति प्रिय किन्नौरी समाज में कोई जगह नहीं है। उन्होंने सरकार व पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में जरूरी कदम उठाए जाएं और दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाई जाए।